हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्टेड आर चैप्टर टू ऑफ हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब विच इज़ हिस्टोरिकल सोर्सेज विच कंसिस्ट ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस चैप्टर इज ऑफ दिस टाइप, डिस्क्राइब द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द पंजाब और ब्रीफली राइट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पंजाब। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एंशियंट हिस्ट्री है पंजाब की बहुत ग्लोरियस है, रिच और वेरिड है, बट उसको बार बार रिकन्स्ट्रक्ट करा गया। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है डिफरेंट इन्वेजन्स हुए, फॉरनर ट्रैवलर्स आए, तो हिस्ट्री एज सच पंजाब की नहीं रहे, बार बार चेंज होती रही, बैटल्स के साथ साथ चेंज होती रही बार बार हिस्ट्री। तो हमें जानने के लिए पंजाब के लोग वहाँ कैसे थे, वहाँ के ट्रेडिशन कैसा था, किंग्स कैसे कैसे आए, तो हमें हिस्ट्री को उसके जानने को कैसे मिलते, लिटरेरी जो उस समय लिखी गई है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो इंस्क्रिप्शन वगैरह कॉइन्स हमें मिले हैं उससे हमें पता लगता है। द हिस्टोरिकल सोर्सेज जो कि क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज में क्लासीफाइड है, विच आर लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल। जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज वो डिवाइड है टू कैटेगरीज में, जो कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। अगेन लिटरेरी सोर्सेज क्लासीफाइड थ्री कैटेगरी, लिटरेरी भी तीन भागों में बटा हुआ है, जो लिटरेरी सोर्स है वो तीन भागों में बटा हुआ है, कौन से, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। रिलीजियस लिटरेचर में क्या कंसिस्ट करता है हमारा, हिंदू बुद्धिस्ट जैन के स्क्रिप्चर हैं जो उन्होंने लिखे हैं। सेकुलर मतलब कि नॉट टू बी अ रिलीजियस लिटरेचर, कंसिस्ट ऑफ बायोग्राफिकल लिटरेचर, किसी की बायोग्राफी से पढ़े, क्रॉनिकल्स पढ़े, ड्रामास, फोक लिटरेचर भी वहाँ कैसा था। और फॉरेन ट्रैवलर्स क्या हैं, कंसिस्ट ऑफ ग्रीक एंड चाइनीज, तिब्बतियन एंड मुस्लिम ट्रैवलर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं हमारे, इंस्क्रिप्शंस हो गए हैं जो कॉइन्स, मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर एंड इनके विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, इम्पॉर्टेंट है। अब उसके लिटरेरी सोर्सेज को डीपली और ब्रीफली पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्सेज फर्स्टली तीन भागों में बटे हुए हैं, रिलीजियस सोर्सेज, सेकुलर सोर्सेज और फॉरेन ट्रैवलर्स। जो रिलीजियस लिटरेचर है पहले उसकी बात करते हैं, उसमें हमारी आती है वैदिक लिटरेचर। द मेजर पोर्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर का द अर्लीस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द वर्ल्ड में है, वो केम इन टू बींग द लैंड ऑफ पंजाब की धरती पे मिलता है वो। दिस लिटरेचर रोज एंड डेवलप इन द कोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड में हुई है, रफली बिटवीन 1200 BC से लेकर 300 BC, एंड वॉज हैंडी डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ओरल ट्रेडिशन में हम बताते गए हैं ओरली उसे, जैसे वेदास हो गए हमारे, द फोर वेदास हैं इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथर्वेद। द ऋग्वेद के 10 चैप्टर हैं, 1028 सुक्तास हैं इसके, दिस इज रेफरेंस ऑफ बैटल ऑफ टू किंग्स की बताते हैं विद किंग सुदास के साथ। जो यजुर्वेद एंड सामवेद अथर्वेद कंपोज लेटर होना है, सबसे पहले कौन सा है, ऋग्वेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर। द यजुर्वेद लेट ऑन द प्रोसीजर परफॉर्म, सेक्रीफाइसेस कैसे देना है हमारे को यजुर्वेद बताता है। सामवेद बताता है 75 हाइम्स है उसके, विच आर ओरिजिनल हैं, द रेस्ट आर फ्रॉम द ऋग्वेद, द हाइम्स आर संग एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। द अथर्वेद कंसिडर सेज अथर्व डील विद मेडिक, अथर्वेद में मेडिकल साइंस के बारे में बताया गया, यजुर्वेद में हमारे को बताया गया सेक्रीफाइसेस के बारे में कैसे हमें परफॉर्म करने हैं वो, और हमारे को किसके बारे, ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पहले वही लिखा गया, उसके बाद ये तीन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद लिखे गए हैं। वो कह रहे हैं कि दो वेदास आर मेनली रिलीजियस इस करेक्टर में है, पर वो एक ग्लिम्स हमारे को दे रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, वहाँ कैसा पीरियड था, हिस्ट्री कैसी थी, कैसी टाइप की मेडिसिन यूज़ कर रही है, कैसे टाइप के सेक्रीफाइसेस की बात करी जा रही है। तो हमें इन सब से वहाँ के लोगों का कल्चर पता लगता है, वहाँ का सोसाइटी के बारे में पता लगता है। सेकेंड आता है ब्रह्मणास एंड द आरण्यकास, दीज बुक कंटेन द कमेंट्रीज फ्रॉम द वेदास टू द प्रीस्ट इन सोसाइटी एंड हर्मिट्स इन द फॉरेस्ट, उसके बारे में कंटेन है ये। द इम्पोर्टेंट ब्रह्मास वर्क एथ्रिया एंड, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो सॉरी फॉर दैट, ऑफ द ऋग्वेदा, द शतपथा ऑफ द यजुर्वेदा, मतलब कि बुक्स के नाम हैं ये, इसमें जो वेदास की हैं उनकी कमेंट्री के बारे में बताया गया है, जो प्रिस्ट सोसाइटी और हर्मिट्स इन द फॉरेस्ट बताते हैं। अब उपनिषद होता है, उप मतलब होता है कि नियर और निषाद मतलब होता है सिट। उपनिषद का मतलब क्या, उप मतलब होता है कि पास और निषाद मतलब होता है टू सिट, वाइल सिटिंग इन द फीट ऑफ गुरु, जब उप जब हमारे को गुरु उपदेश देता है, जैसे हम क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं टीचर का, अब तो चलो बेंच पे बैठ के सुन रहे हैं, पहले पेड़ के नीचे जैसे गुरु बता रहे हैं, तो उपनिषद का काम कर रहे हैं।
वाइल उप मतलब क्या होता है कि नियर पास निषाद मतलब कि टू सिट वाइल सिटिंग इन एट द फीट ऑफ गुरु द डिसिपल्स जो शिष्य होते हैं क्वायर नॉलेज अबाउट सोल के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं कि आत्मा क्या है भगवान क्या है ये ब्रह्मांड कैसे बना है ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होती है सोल की मरने के बाद ये सब कुछ मेन उपनिषद जो हैं हमारे वो कौन कौन से हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे मेन उपनिषद है। अब है तो सूत्रास होते हैं डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स कल्प सूत्र ग्रह सूत्रात धर्म सूत्रात फिर वेद नाग आ जाते हैं स्मृतिज हो जाती हैं मनु स्मृति होगी विष्णु स्मृतिज होगी एपिक्स में हमारे महाभारत रामायण है टू एपिक्स हैं इसके बारे में इस इन सब से भी हमारे को पता लगता है हिस्ट्री के बारे में लेटर वे पॉलिटिकल कंडीशन लेटर वैदिक ए पंजाब की कैसी थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पंजाब ऑफ द एपिक एज महाभारत इज इंडीड इम्पोर्टेंट इन सब से हमारे को पता लगता है। पुराण आ जाते हैं हमारे पुराण 18 पुराण हैं हमारे बट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें भविष्य वायु मत्स्य विष्णु पुराण ब्रह्मा पुराण भगवत पुराण आर इम्पोर्टेंट ये हम पुराण हमारे घर पे ही पढ़े रहते हैं ना जैसे ईच पुराण इज डिवाइड इनटू 5 सेक्शन में डिवाइडेड लास्ट सेक्शन है वंश चरित्र ऑफ ईच पुराण डिपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ रॉयल डायनेस्टीज की बताता है कि कैसे राजा कैसे रहते थे पुराणों के बारे में 5 सेक्शन में डिवाइडेड है वो और जो ईच जो पुराण है वो 5 सेक्शनों में डिवाइडेड है लास्ट सेक्शन जो है वनिष्ठ चरित्र वो हमारे को बताता है रॉयल डायनेस्टी में बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर में पिटक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम फ्रॉम दिट द थ्री पिटाक्स दे आर इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं पाली लैंग्वेज में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिटाक मतलब होता है बास्केट सो थ्री पिटक मीन्स थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज थ्री पिटक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है ये पिटाक का मतलब क्या होता है बास्केट और थ्री पिटाक मतलब है थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज कौन कौन से हैं वो तीन पिटाक हैं वो पिटाका विनय पिटाक सुत पिटाक एंड अभिनंदन पिटाक ठीक है पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं ये जो इम्पोर्टेंट जैन स्क्रिप्चर्स हैं हमारे 12 अंगाज है 12 उपअंगाज है 10 प्राकरण है 6 छेद सूत्र नंदी सूत्र अनिश योग सूत्र मूल सूत्र एक्सेट्रा ठीक है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो है भद्रा बाहु चरित्र थ्रू लाइफ ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में कौन सा है वो भद्रा बाहु चरित्र सेकुलर लिटरेचर में हमारे पास आ जाता है इन द शेप ऑफ ग्रामर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल्स बायोग्राफीज ऑफ किंग इमेजिनेटिव एंड गॉसिप लिटरेचर जो हमें पता लगता है जैसे किसी ने अपनी बायोग्राफी लिख दी छोड़ गया वो मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ मुझे पता लग रहा है ये इस टाइप की सोसाइटी में बंदा रहता था ये ऐसी सोसाइटी की बात कर रहा है ये प्लेयर्स हो गए ये हमारे क्या हो गए हमारे सेकुलर लिटरेचर है ये रिलीजियस से कनेक्टेड नहीं है पनानी अष्टदही कंटेन रेफरेंस टू डिफरेंट किंग्स एंड रिपब्लिकन स्टेट पतंजलि ये सारी हमारी कौन सी है जैसे कौटिल्य लिखी है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है बुक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो कौन था कौटिल्य को कौटिल्य को चाणक्य ही बोल रहे हैं जिसने अर्थशास्त्र लिखी है वो कौन था प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें द वर्क इज कम्बे मकाइवली द प्रिंस जो एक मकाइवली है पॉलिटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे उसके वर्क के साथ कंपेयर करा जा रहा है इसको कौटिल्य टीचर रहा है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पंजाब में हुआ गुरु टू चंद्रगुप्त मौर्य तो ये सब कुछ है डिस्कस करने के लिए ये गुप्ता एज वगैरह सारा कुछ बता रहे हैं अब है राइटिंग ऑफ फॉरनर्स की राइटिंग्स के बारे में अकाउंट ऑफ ग्रीक्स पर्शियन एंड रोमन्स की जो ट्रैवलर्स आए वो अपनी हिस्ट्री लेके आए ट्रैवलर्स आए उन्होंने आके कुछ लिखा तो फॉरनर हिस्ट्री वो बन जाती है हमारी पंजाब की हिस्ट्री में ऐड हो जाती है वो जो फॉरनर्स आए
ग्रीक्स, पर्शियन, रोमन्स, ये सारे हियर से हैं, मतलब कि सुनी सुनाई। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि वो आया था, अलेक्जेंडर आया था, अरस्तू है वो, सिकंदर, मतलब कि मेरे को उसके बारे में पता लग रहा है, हियर से है, एविडेंस है सर। ये सारा कुछ बता रहे हैं इसमें कि क्या क्या एविडेंस है। चाइनीज ट्रैवलर आए, फान यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाइनीज ये हमेशा ही आता है। फान यान बड़े प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे हु विजिटेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट। फान यान विजिटेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड पीरियड एंड डिपिक्टेड इन राइटिंग और द सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस पॉलिटिक्स ऑफ दैट पीरियड। चंद्रगुप्त, ह्यून सांग वाज द सेकेंड चाइनीज, टू चाइनीज ट्रैवलर, हमेशा क्वेश्चन शॉर्ट में आता ही आता है। हु विज ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग हर्ष एंड रोट हिज वर्क सिवा, ये वेरी पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तिब्बतियन आए थे, तारानाथ लांबा वाज द फेमस तिब्बतियन ट्रैवलर, हिज वर्क हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को ज़्यादा इन्होंने वो करा है चाइनीज ट्रैवलर्स ने। अकाउंट ऑफ अर्ली मुस्लिम राइटर्स भी आए हैं, ताके हिंद, इंक्वायरी इन टू इंडिया, मतलब एल बुरानी, हु अकम्पेंड महमूद ऑन हिज इंडियन एक्सपीडिशन, ये सारे वो आते हमारे लिटरेरी सोर्सेज में।